इस डेल्टा के पास दो ऑप्शन है, कुल मिला के ये नंबर बनाना है तो आंसर क्या आएगा, 5 × 4 × 3 × 2, तो कितना आ जाएगा ये, नहीं 120 नंबर आ जाएगा, 120। ठीक है, तो 120 डिवाइजर्स हो गए इसके ना, 5 × 4 × 3 × 2, मतलब इसके नंबर ऑफ ऑप्शंस काउंट कर लिए हमने। एक दूसरा तरीका ये भी है, ऐसे भी सोच सकते हैं, यहां पे चार टू रखे हैं, है ना, यहां पे ये चार टू है मेरे पास, है ना, ये तीन थ्री है मेरे पास, ये दो पांच है और एक सेवन है, है ना, और मुझे इसमें से सिलेक्ट करने हैं ये, है ना, सिलेक्ट करने हैं, यहां से सिलेक्ट करने हैं ना, कितने भी टू सिलेक्ट कर सकता हूं इसमें मैं, है ना, वही तो, टू कितने भी सिलेक्ट कर सकते हो यहां से, ऐसी थ्री कितने भी सिलेक्ट कर सकते हो, फाइव कितने भी सिलेक्ट कर सकते हो, सेवन कितने भी सिलेक्ट कर सकते हो, जितने अवेलेबल हैं उनमें से, ऐसे नहीं कि तीन बार सेवन उठा लिया, है ना, तो हमें नंबर ऑफ सिलेक्शंस बनाने हैं इसके, है ना, ये चार आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट रखे हैं, ये तीन आइडेंटिकल रखे हैं, ये दो आइडेंटिकल रखे हैं, ये एक रखा है, इसमें नंबर ऑफ, है ना, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस बनाने हैं हमको, कितने बना सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस का फॉर्मूला बना दो, है ना, कितना है टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आउट ऑफ दीज फोर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, एन प्लस वन, फोर प्लस वन, तो फोर प्लस वन, थ्री प्लस वन, टू प्लस वन, वन प्लस वन, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ गए, है ना, ना, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, उससे, है ना, कोई सा भी सिलेक्शन उठा लो उससे एक बन जाएगा डिवाइजर, जैसे दो उठाए टू, एक उठाया थ्री, फाइव और सेवन एक भी नहीं उठाया, तो ये बन गया एक डिवाइजर, है ना, तो 12 हो गया इसका डिवाइजर, तो यही है टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस आउट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इन विच फोर आर अलाइक ऑफ वन काइंड, थ्री आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड, टू आर अलाइक ऑफ थर्ड काइंड एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आ गया डिवाइजर्स का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं डिवाइजर्स। ठीक है, है ना, ये वाली चीज भी समझ में आ गई कि अगर नंबर ऑफ ऑप्शन से देखना होता तो नंबर ऑफ ऑप्शन से देख सकते थे, अल्फा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू, इन सब की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर होगी ना बात, क्योंकि अब थोड़ा रेस्ट्रिक्शन डालेंगे इसमें, है ना। बताओ भाई, क्लियर है बात, क्या हो गया, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, कहां गायब हो गए, हेलो क्या हो गया भाई, कहां गया मैं सब, हेलो आवाज नहीं आ रही है क्या, हेलो हाँ, चैट बॉक्स क्यों नहीं यूज कर रहे हो आज, क्या हो गया, हाँ ठीक है, अच्छा चैट बॉक्स, अच्छा ओ मेरे को अच्छा होस्ट वाली परमिशन वाली अभी हट गई ना, इस वजह से मेरे पास आ नहीं रहा होगा, रुक जाओ, हाँ चलो समझ गया मैं, ठीक है,
तो अब थोड़ा सा अलग एप्लीकेशन कर लेते हैं कि पूछा जाए, जैसे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स लिख देता हूं पहले, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने आए, 4+1, 3+1, 2+1 और 1+1, तो 120। अब इसमें बोला जाए टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स का मतलब है, मतलब वो जो डिवाइजर होगा उसमें 2 की पावर मिनिमम 1 तो होगी होगी, है ना। तो अब सवाल ऐसा हो गया कि इस वाले में से एटलीस्ट एक उठाना है और यहां से टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन काउंट करना है, तो इसमें से एटलीस्ट एक उठाना है, तो यहां पे आएगा 4 इंटू, इसमें से कुछ भी उठा सकते हो, तो यहां टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन तो 3+1, 2+1 और 1+1। तो आंसर नहीं, नहीं 60 नहीं, कितना आया, तो कितना बनाइए, 4, 16, 48 और 96, ठीक है 96, ठीक है, हाँ क्लियर है। इवन इतने हो जाएंगे, ऑड बनाने होते इसी, तो या तो मैं टोटल इसमें से 120 में से इसको हटा देता हूं, ऑड आ जाएगा मेरे पास, तो या ऐसे भी लिख सकते हैं ऑड डिवाइजर्स, है ना। 2 की पावर मेरे को सिलेक्ट ही नहीं करनी है, अगर 2 की पावर 1 भी आ गई तो मेरे पास इवन डिवाइजर ही बनने वाला है, तो 2 की पावर तो 1 भी नहीं उठानी है, तो यहां से तो ऐसा समझ लो इसको तो देखो ही मत, यहां से टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस काउंट करो बस, है ना। तो इसके पास तो एक ही ऑप्शन है कि 2 की पावर 0 ही लेनी है तुमको, तो 1 इंटू, अब यहां पे 3+1, 2+1, 1+1, तो कितना आ जाएगा ये 24। अब एक इसमें कंसेप्ट होता है, अब जैसे कुछ भी और भी बोल सकते हैं कि नंबर, मतलब ऐसे डिवाइजर्स जो डिविजिबल बाय 10 हो, है ना, नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो डिविजिबल बाय 10 हो, तो अब 10 मतलब 2 इंटू 5 तो होना ही चाहिए, तो इसमें से एटलीस्ट एक उठाना है और इसमें से भी एटलीस्ट एक उठाना है ना, 10 से डिविजिबल हो जाएगा, बाकी इन दोनों के पास टोटल मौके हैं कुछ भी आने के, है ना। तो आंसर क्या होगा, 10 से डिविजिबल तो 4 इसके पास पूरे हैं, 4 इसके पास, 2 और इसके पास 2, है ना, तो 4, 4, 2, 2 ये आ जाएंगे नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर डिविजिबल बाय 10। 10 मतलब एटलीस्ट 2 तो उठाना ही उठाना है, एक और एटलीस्ट एक 5 भी उठाना है, है? तो यहां पे इन दोनों में लगेंगे एटलीस्ट 1 सिलेक्शन वाला और इन दोनों में लगेगा टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन वाला, तो 10 से डिविजिबल आ गए। ऐसे ही अगर करना होता 12 से डिविजिबल, 12 से ऐसे डिवाइजर जो 12 से डिविजिबल है, तो 12 मतलब 4 इंटू 3 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3, तो मिनिमम 2 स्क्वायर तो होना ही चाहिए, तो यहां पे कितने ऑप्शन है, मिनिमम 2 स्क्वायर तो होना ही होना है, तो एटलीस्ट 2 वाला फॉर्मूला आएगा, एटलीस्ट 2 उठाने हैं ये, है ना, नहीं तो ऑप्शन से देख लो, है ना। डिविजिबल बाय 12, है ना, डिविजिबल बाय 12, तो 2 की पावर अल्फा, 3 की पावर बीटा, 5 की पावर गामा, 7 की पावर डेल्टा, तो अल्फा के पास क्या क्या ऑप्शन है, डिविजिबल बाय 12 करना है तो मिनिमम 2 रखना है और मैक्सिमम तुम 4 ही रख सकते हो, तो अल्फा के पास 3 ऑप्शन है, या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, है ना, तो 3 ऑप्शन है इसके पास। 12 में 2 2 बार आता है और 3 1 बार आता है, तो 3 मिनिमम 1 उठाना है, तो इसके पास 1, 2, 3 3 ऑप्शन है, इनके पास सारे हैं, तो आंसर हो जाएगा 54। इतने डिवाइजर्स होंगे इसके जो 12 से डिविजिबल होंगे, क्लियर होगी होगी बात। अब एक नया टर्म आता है नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, है ना,
नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। तो प्रॉपर डिवाइजर्स इम्प्रॉपर डिवाइजर्स दो होते हैं, किसी भी नंबर के इम्प्रॉपर डिवाइजर्स वो दो होते हैं। कौन कौन से? एक तो नंबर इटसेल्फ और एक वन, है ना, नंबर इटसेल्फ और वन। तो किसी भी नंबर के दो डिवाइजर जो प्रॉपर नहीं होते, ऐसे बोल लो या इम्प्रॉपर बोल दो, है ना। तो दो इम्प्रॉपर डिवाइजर होते हैं, एक तो नंबर इटसेल्फ और एक वन, है ना। तो जो बाकी बचे वो सब प्रॉपर डिवाइजर्स हैं। तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स ये आ जाएगा, ये जो टोटल निकाला था इसमें से दो हटा दो, है ना, जो दो डिवाइजर हैं वो हटा दिए, तो जो बाकी बचे वो सब इम्प्रॉपर डिवाइजर्स बचेंगे, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। नंबर मतलब जो बाकी बचेंगे वो सब प्रॉपर डिवाइजर्स बचेंगे, ठीक है। अब ऐसा बोला जाए, जैसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि ऐसे बताओ डिवाइजर्स जो परफेक्ट स्क्वायर हो, नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। फंडा समझ में आना चाहिए, नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर में टू की पावर क्या क्या हो सकती है? तो टू की पावर वन नहीं हो सकती, फिर परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, है ना। तो टू की पावर या तो जीरो होगी या फिर टू होगी या फिर फोर होगी, बस यही हो सकती है, है ना। तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इससे ही देखो, है ना। जब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये इवन नंबर्स होंगे, है ना। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये इवन नंबर्स होंगे, हाँ जीरो भी हो सकता है, है ना, तभी वो होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। तो देख लो अल्फा के पास क्या क्या ऑप्शन है, एक जीरो हो सकता है, एक टू हो सकता है, एक फोर हो सकता है। तो अल्फा के पास तीन ऑप्शन, बीटा के पास जीरो हो सकता है और टू हो सकता है, है ना, दो ऑप्शन। गामा के पास भी दो ऑप्शन, जीरो हो सकता है, टू हो सकता है। डेल्टा के पास एक ही ऑप्शन है, जीरो ही है उसमें। तो आंसर क्या आएगा, 12, है ना। टोटल ऐसे डिवाइजर्स जो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे वो 12 होंगे। तो बाकी भी कर सकते हो जो नहीं होंगे परफेक्ट स्क्वायर, तो टोटल में से हट जाएगा, वो आ जाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। चलो समझ गए। अब एक आता है सम ऑफ डिवाइजर्स, है ना, सम ऑफ डिवाइजर्स निकालना है, सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। इसके डिवाइजर्स थे 120, है ना, इसके डिवाइजर्स थे 120, उन सबका सम निकालना है मेरे को। जो 120 डिवाइजर्स हैं इसके, उन 120 डिवाइजर्स का सम निकालना है। तो एक मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं पहले, क्या एक एक्सप्रेशन लिखा मैंने, है ना, ऐसे 2 की पावर 0 से 2 की पावर 4 तक की पावर्स ऐड की है मैंने, है ना। यहां से देख रहा हूं बस कि मैक्सिमम 2 की पावर 4, तो ऐसे 3 की पावर 3 तक की ऐड की है, 5 की 2 तक की, 7 की 1 तक की। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, ये चार फैक्टर लिखे हैं इसमें, इन चारों को अगर मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर देंगे, है ना, चारों को मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर देंगे तो वो जो एक्सप्रेशन बनेगा बड़ा सा, उसमें सारे डिवाइजर्स ही लिखे होंगे, इसके सारे डिवाइजर्स ही लिखे होंगे जिनका सम लिखा ये, है ना। इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो और एक्सपेंड कर दो तो वो जो एक्सप्रेशन बनेगा बड़ा सा, उसमें हर एक्सप्रेशन इसका डिवाइजर ही होगा,
है ना, कि 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, ऐसे 2 की पावर 0, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, ऐसे एंड सो ऑन, है ना। ऐसे 2 क्यूब, 3 की पावर 0, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, तो ये सारे डिवाइजर ही बने होंगे, है ना। तो जैसे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितने फैक्टर बनेंगे इसके, कितने, कितना बड़ा टर्म बनेगा, कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे उसमें, तो 5 टर्म इसमें है ना, 4 टर्म इसमें, 3 टर्म इसमें, 2 टर्म इसमें, तो 5 × 4 × 3 × 2, तो वही 120 टर्म्स आएंगे। तो वो 120 टर्म्स क्या लिखे होंगे, वो ये डिवाइजर से लिखे होंगे। क्लियर है ना ये वाली बात, है ना, ये समझ में आ रहा होगा बहुत, मतलब खाली इसको देख के, कि अगर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारे अलग अलग डिवाइजर्स ही लिखे हुए हैं, तो सबका सम ही लिखा हुआ है ना। तो ऐसे समझ लो सारे डिवाइजर्स लिखे और तुमने फैक्टर कर दिए, फैक्टर ये 4 फैक्टर आए, इनका इंडिविजुअल सम मुझे पता है, ये जीपी लिखी है दोनों सारी, मतलब अगर बड़ी बड़ी भी होंगी तो जीपी लिखी होंगी। तो इसका सम क्या आएगा, फर्स्ट टर्म 1 है सबका, फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो 2 है इसमें, और नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो 2 की पावर 5 − 1/2 − 1, ये 3 की पावर 4 − 1/3 − 1, ये 5 की पावर 3 − 1/5 − 1, और ये 7 की पावर 2 − 1/7 − 1। क्या होगा, अच्छा ठीक है, है ना। तो ये सम ऑफ डिवाइजर्स हो गया, है ना। तो अगर मतलब कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन होता तो तुम समझ गए क्या लिखना था, है ना। तो जैसे अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की ऐसे 2 की पावर P1 α1, 3 की पावर α2, 5 की पावर α3 एंड सो ऑन, तो फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2 की पावर α1 + 1, मतलब यहाँ 5 आएगा, जैसे 2 की पावर 4 है तो यहाँ 2 की पावर 5 − 1/2 − 1, यहाँ 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 4 − 1/3 − 1, ऐसे एंड सो ऑन, है ना। ये सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार ये परफेक्ट स्क्वायर वाला एक बार और देख लो, इसको कंफ्यूजन है कि परफेक्ट स्क्वायर वाले डिवाइजर्स कैसे बनाए जाएं। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इस टर्म को, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब इवन नंबर्स होने चाहिए, है ना, तभी तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर पाओगे इसको। अल्फा बीटा गामा डेल्टा इवन नंबर्स होने चाहिए, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा चारों इवन सेलेक्ट करने हैं, कितने नंबर ऑफ वेज सेलेक्ट करने के, है ना, तभी होल स्क्वायर कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अल्फा के पास 3 ऑप्शन है, या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा, है ना, 0, 2, 4 अवेलेबिलिटी के हिसाब से। ऐसे बीटा के पास 0, 1, 0, 2, बस 0, 2, गामा के पास 0, 2 और डेल्टा के पास बस 0, तो नंबर ऑफ ऑप्शन पता चल गए। अल्फा के पास 3 ऑप्शन है, बीटा के पास 2 ऑप्शन है, गामा के पास 2 और इसके पास 2, है ना। तो ऐसे पता चल जाएगा हमको, है ना, जो स्क्वायर होंगे। आ गया समझ में, किसने पूछा था ये, हाँ ठीक है। बस खत्म होने में है, बस लास्ट लास्ट की चीजें और बची हैं थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और अलग चीज पूछते हैं, लेकिन ना इसको पूछने का तरीका अलग है, बस पूछ वही रहा है, पूछने का तरीका अलग है। जैसे उसने पूछा है कि बताओ 7 5 6 00, 7 5 6 00 को 2 फैक्टर में ब्रेक करना है,
75600 को दो फैक्टर में ब्रेक करना है जिनका प्रोडक्ट ये हो, है ना। ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है, दो नेचुरल नंबर्स में, है ना। मतलब ऐसे नहीं कि 1/2 कर दें इसको, है ना, 2 times कर दें, है ना, दो नंबर्स में ब्रेक करना है। तो दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका प्रोडक्ट ये है 75600। तो ऐसा कितने तरीके से कर सकते हो, 75600 को नंबर्स में ब्रेक करना है। या ऐसे करो कि 75600 इक्वल टू एक्स इंटू वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर्स, वेयर एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर्स, है ना। दो तरीके से पूछा जा सकता है ये सवाल कि 75600 इक्वल टू एक्स इंटू वाई, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, एक्स वाई इक्वल टू 75600, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, है ना। एक्स और वाई इंटीजर चूज करने हैं सच दैट उनका प्रोडक्ट 75600 आ जाए। तो इसका आंसर वही है जो अभी नंबर ऑफ डिवाइजर का है, है ना। तो जैसे खाली x चूज करो, y तो अपने आप आ जाएगा ना। जैसे मैं बोला x को ले लिया मैंने 2, x है 2, तो y फिक्स हो गया। y क्या है इसमें से देख लो, 2³, 3³, 5² 7^1, ये है y, है ना। तो बस x को उठाओ, y तो अपना आप फिक्स हो जाएगा। तो x कैन बी एनी ऑफ द डिवाइजर, है ना। x की वैल्यू ये ले लो 2² × 3, तो जो बाकी बचेगा वो y हो जाएगा, है ना। प्रोडक्ट तो पता ही है ना मुझे, तो x चूज करना है ऐसा मान लो बस। तो x इज एनी डिवाइजर, है ना। तो x कैन बी एनी डिवाइजर, तो क्या आंसर आएगा, x कैन बी एनी डिवाइजर तो क्या आंसर आ जाएगा, है ना। x को चूज करने के जितने नंबर ऑफ वेज होंगे उतने इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो x डिवाइजर डिवाइजर है 120, तो x कैन बी सिलेक्टेड इन 120 वेज, तो 120 आंसर हो गया। इसके कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन आएंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन 120, है ना। दो अलग जीपी बना लेंगे, दो अलग जीपी मतलब जीपी कहां से आ गई, हाँ देखो x इंटू वाई इक्वल टू, खाली इसको समझो पहले, x इंटू वाई इक्वल टू हमें ये करना है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब अब x और y डिपेंडेंट है, अगर x है 2 तो y हो गया, मतलब मल्टीप्लाई करके तुमको ये लाना है, मतलब ये लाना है, तो y हो गया 2³, 3³, 5² 7^1, है ना। ऐसी x को अगर मैं ये ले लूं 3, तो y फिक्स हो गया, यहां से देख लो 2³, 3² 5² 7^1। अगर x मैं ले लूं 2 × 3², x है 2 × 3², तो y ले लो, तो y क्या होगा 2³, 3, 5² 7^1, मल्टीप्लाई करके ये बनाना है। तो अगर मैंने x चूज कर लिया तो y को चूज करने की जरूरत नहीं है, y तो फिक्स हो गया, है ना। तो x को चूज करो बस, x को कितने तरीके से लिख सकते हो, यहां पे y फिक्स हो जाएगा, y को नंबर ऑफ ऑप्शन नहीं देखना है, फिर y को कितने तरीके से चूज करना है वो नहीं देखना है, x को देखो बस। तो x कैन बी एनी ऑफ द डिवाइजर, x कैन बी एनी ऑफ द डिवाइजर, है ना। जब जी तभी तो प्रोडक्ट, तभी तो y आएगा। x जैसे 49 नहीं हो सकता, x 49 होगा तो y क्या होगा, फिर y के पास ऑप्शन नहीं बचता। तो x कैन बी एनी ऑफ द डिवाइजर, तो x इसके डिवाइजर कितने थे 120, इन 120 डिवाइजर्स में से x कुछ भी हो सकता है ना। वो इसके डिवाइजर्स थे 120, तो x कुछ भी हो सकता है इन 120 डिवाइजर्स में से, है ना। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y आ जाएगा अपने आप। तो जैसे x की वैल्यू 7 ले ली मैंने, तो x 7 हो गया और जो बाकी बचा वो y हो गया, है ना। तो ये है x कैन बी एनी ऑफ द डिवाइजर, और हमारे पास डिवाइजर 120 थे, ठीक है। अब इसमें पेयरिंग भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। x इंटू वाई लिखा हुआ है, जैसे मैं बोलूं x 2 है और y है,
और अगर वाई ये एक्स ये है तो वाई टू होगा, है ना। तो ये अलग अलग केस है, अलग अलग केस है ये दोनों, और ये अलग अलग काउंट करना है। उसने x इन टू वाई लिखा है तो x की वैल्यू टू और y की वैल्यू ये, या x की वैल्यू ये और y की वैल्यू टू, ये अलग अलग चीजें हैं। तो अलग अलग काउंट भी किया है हमने, हमने x पे सारे ऑप्शन काउंट किए हैं। तो उसमें ये दोनों आ गए, ये वाला डिवाइजर भी आ गया, ये वाला डिवाइजर भी आ गया। तो ये दोनों केस आ चुके हैं इसके अंदर। तो हमें पता चल गया इस इक्वेशन के नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे, 120। अब अगर मैं पूछता नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हैं इस इक्वेशन के, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, ऑर्डर्ड पेयर अनऑर्डर्ड पेयर, है ना। अगर वो बोलेगा एक्स वाई इक्वल टू 7560, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बताओ, है ना, मतलब ये 120, और ऐसे अनऑर्डर्ड पेयर बताओ, मतलब फिर पेयरिंग नहीं करनी है। या अगर कुछ नहीं दिया हुआ, इसके पूछे हैं उसने इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछे हैं उसने, तो फिर x और y लिखा हुआ है तो अलग अलग चीज लिखी हुई है ना। तो x 7 हो जाए y 2 हो जाए, या x 2 हो जाए y 7 हो जाए, अलग अलग लेना है, x into y लिखा हुआ है उसने। अब पूछा जाए इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ सिचुएशन पे, तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन 120 थे। अब पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, जैसे एक सॉल्यूशन ये वाला है 2 और ये कितना 2 क्यूब 3 स्क्वायर 3 क्यूब 5 स्क्वायर 7 की पावर 1, है ना। इसके कोरस्पॉन्डिंग एक नेगेटिव वाला सॉल्यूशन भी होगा ये वाला, है ना, तब भी मल्टीप्लाई होके यही आने वाला है ना। तो वो जो इतने 120 पेयर बन गए होंगे ना, ये सॉल्यूशन बनाए होंगे 120 पेयर बन गए होंगे। अब 120 पेयर और लिख दो सबके सामने, माइनस लगा दो, वो 120 पेयर और होंगे, सब पे माइनस लगा दो, तब भी आंसर यही आएगा। तो आंसर समझ में आ रहा है, अब क्या आएगा 240, 120 और होंगे, ठीक है 120 और होंगे। समझ में आ गई बात, अब एक और बात बताओ, अब ऐसे पूछा है, मतलब वही जो अभी ये बात कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर अनऑर्डर्ड पेयर की, है ना, ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर की। अनऑर्डर्ड पेयर को ऐसे पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच 7560 कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, है ना, कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। उसने एक्स इंटू वाई करके नहीं पूछा, उसने बोला है कि इनको दो नंबर में ब्रेक करना है मेरे को, कितने तरीके से कर सकते हैं, सच दैट दोनों का प्रोडक्ट ही आ जाए बस। तो उसने ऐसा समझो इसी इक्वेशन के ना अनऑर्डर्ड पेयर वाले सॉल्यूशन पूछे हैं उसने, है ना, उसने बोला है दो नंबर में ब्रेक कर सके बस उसको, तो फिर वो अलग अलग नहीं लेना है, दो नंबर तो सेम ही है ना वो वाले, जैसे एक टू और एक टू क्यूब वही थ्री क्यूब और फाइव स्क्वायर सेवन की पावर वन, या ये वाला जो एक्स ये था, है ना, एक्स उल्टा लिख दो, टू क्यूब थ्री क्यूब फाइव स्क्वायर सेवन की पावर वन, और ये टू, दोनों नंबर तो सेम ही है ये, है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज इन विच 7560 कैन बी रिजॉल्व इन टू टू पॉजिटिव नेचुरल नंबर, है ना। तो अब इन दोनों को सेम लेना है, उसने एक्स इंटू वाई करके नहीं पूछा है, तो हम एक्स इंटू वाई करके ही निकालते हैं, लेकिन अब पेयरिंग वालों को अलग अलग नहीं लेना। तो अभी आंसर आया था 120, है ना, अभी आंसर आया था पॉजिटिव पूछा उसने, आसान आया था 120, और हर केस दो दो बार लिखा होगा, जैसे ये वाला केस, हर केस दो दो बार लिखा होगा, है ना। तो सब दो को एक ही काउंट करो तो आंसर क्या आएगा 60, है ना, 60 आएगा। नंबर ऑफ वेज इन विच एन और एनी नंबर 7560 जैसे ये कैन बी रिजॉल्व इनटू टू पॉजिटिव फैक्टर्स, है ना, पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स ऐसे। तो आंसर क्या होगा, तुम नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालो और डिवाइडेड बाय टू कर दो, नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालो और डिवाइडेड बाय टू कर दो, क्योंकि पेयरिंग में मिले होंगे सब, है ना।
तो ऐसा कोई नंबर जो पेयरिंग में ना मिला हो, ऐसा कोई है इसमें? एक्स इन टू वाई जब इक्वल टू ये किया हो और जो पेयरिंग में ना मिला हो, ऐसा कोई नंबर है क्या इसमें? ऐसा कोई दो फैक्टर होंगे क्या ये जो पेयरिंग में नहीं मिले होंगे, जो एक ही बार मिला होगा, ऐसा कुछ है क्या बताओ? जो हमने 120 काउंट किए थे उसमें ऐसा कोई केस आया होगा क्या जो केवल एक ही बार मिला होगा? तो वो केस तभी आ सकता है जब एक्स और वाई बराबर हो सके, मतलब वो केस दो बार नहीं आएगा। जैसे यहां एक्स एक्स और वाई दोनों सेम नंबर है, वही वाला एक बार आ सकता है, वरना तो दो बार आएंगे ही आएंगे। एक बार एक्स होगा है ना कुछ अल्फा, और एक बार वाई बीटा होगा, और फिर ये बीटा होगा ये अल्फा होगा, है ना, दो बार आना आना है। एक ही बार मिलेगा वो, वैसा ही केस होगा कि ऐसा हो जाए कुछ, ये भी अल्फा ये भी अल्फा है, और सच दैट मल्टीप्लाई होके ये बन जाए। तो ऐसा इस केस में तो नहीं हो सकता है ना, कि ऐसा कब होगा? जब पावर बस सबकी इवन होगी तब हो सकता है बस ये, है ना। जैसे मैं इसका पूछूं, यहां पे टू लिखा होता और यहां पे फोर लिखा होता। अब ऐसा एक केस आएगा जब एक्स होगा 2 स्क्वायर 3 5 7 स्क्वायर, और वाई भी यही बनेगा। वाई भी यही बनेगा है ना। तो इस वाले केस में अगर ये वाले नंबर ऐसा नंबर होता जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, तो इसमें एक केस ऐसा आता ये वाला जो केवल एक ही बार मिलता है ना। अब अगर मैं पूछूं, बताओ इस नंबर को दो पॉजिटिव फैक्टर्स में तोड़ना है, कितने नंबर ऑफ वेज हैं? तो सबसे पहले इसके डिवाइजर्स कितने थे? इसके डिवाइजर्स कितने आएंगे? इसके डिवाइजर आएंगे 5 3 3 5, तो 5 × 3 × 3 × 5, तो कितना आ गया ये 2 2 5 है ना। इसके डिवाइजर्स होंगे 2 2 5 है ना। अब सब सवाल वही पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू टू पॉजिटिव फैक्टर्स, टू पॉजिटिव फैक्टर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू टू पॉजिटिव फैक्टर्स। तो आंसर क्या आएगा? तो 225 जो नंबर्स ऐसे सॉल्यूशन लिखे होंगे इस इक्वेशन के, है ना, इस इक्वेशन के 225 सॉल्यूशन होंगे, इसके 225 भी होंगे। लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूं दो नंबर में बस फैक्टराइज करना है, इसको रिजॉल्व करना है, तो फिर वो पेयरिंग वाले हटाने पड़ेंगे। तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू दिस नंबर के 225 सॉल्यूशन है, पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो उसमें एक होगा जो सिंगल लिखा होगा ये वाला, और बाकी सब पेयरिंग में लिखे होंगे, है ना, एक्स ए वाई ए, और ऐसे उल्टा भी लिखा होगा, है ना। तो आंसर क्या आएगा? 225 में से एक तो वन एक बार लिखा है, बाकी सब पेयरिंग लिखे हैं, तो बाकियों को आधा कर लो, तो 224 जो बाकी होंगे, जो 224 होंगे वो 224 को तो आधा कर लो, है ना। और इसको एक एक बार तो ये जो करना ही है ना ज्वाइन, तो ये आंसर होगा, है ना, बाकियों को आधा कर लो। और तो एक एक बार काउंट कर लिया, और एक बार इसको तो करना ही है अभी, इसको तो करना ही है ना एक बार काउंट अभी। तो आंसर क्या आएगा? 113 है ना, 113 113 समझ में आया? ये किसी ने 112 लिखा है, 113 एक बार तो काउंट करना ही है ना इसको, बाकियों को आधा कर लिया, पेयरिंग कर ली, और है ना एक बार इसको काउंट कर लिया, तो इसको केस बना के कर सकते हो, है ना। इसको केस बना के कैसे कर सकते हैं? तो ये वाला जो केस है ये परफेक्ट स्क्वायर वाला ही केस है, कि नंबर ही तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है ना। इसमें अल्फा बीटा का ये जो पावर्स आई है सब इवन है, उसमें ही ऐसा केस बनेगा। तो जब तुम जिस नंबर की बात कर रहा है वो उसको प्रोडक्ट करना है, वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो दो केस आएंगे। तो इस केस में परफेक्ट स्क्वायर है ना, और वो पहला वाला केस था उसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं था नंबर, है ना। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, अल्फा वन
अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा फोर एंड सो ऑन, तो है ना एन इक्वल टू, तो मतलब वही मैं लिख रहा हूं, मैं नंबर ऑफ वेज इन विच एन कैन बी रिजॉल्व इन टू टू पॉजिटिव फैक्टर्स, है ना. तो इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आंसर सीधे नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालो और डिवाइडेड बाय टू कर दो. और अगर एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना, तो क्या करें कि या तो ऐसे कर लो इसको कि अल्फा वन प्लस वन, अल्फा टू प्लस वन एंड सो ऑन, ये तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स हो गए, इसमें से वन हटा के आधा किया और वन ऐड कर दिया, है ना, एक जो हटाया था वो एक बार तो लेना ही है, ऐसे कर दो. या इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे ये लिखा हुआ है ना, सीधे ये कर दो, है ना, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स प्लस वन और डिवाइडेड बाई टू, है ना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा पिछले केस का जैसे 113, है ना. जैसे इसके पहले वाले केस के कितने 225 डिवाइजर्स थे, तो क्या करो प्रोडक्ट में अगर रिजोल्व करना है तो 225 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, है ना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा. ठीक है, समझ गए, समझ गए बात. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आगे आते हैं, अभी नोट कर लें. हाँ नोट कर लो. अब एक अलग चीज पे आते हैं ना, ये खत्म हो गया हमारा, इस पे जो एप्लीकेशन होंगी अब वो क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे. अब आते हैं कुछ ऐसे है कि वन नंबर कौन कौन से लिए जाए, ऐसे ले लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, है ना, 1, 3, 5, 7, 9, है ना, 10,000 से बड़े नंबर बनाने हैं, 1, 3, 5, 7, 9 विदाउट रिपीटिशन 10,000 से बड़े नंबर बनाने हैं, कितने बनेंगे. वन थ्री फाइव सेवन नाइन, 10,000 से बड़े नंबर बनाने विदाउट एनी रिपीटिशन. ठीक है, सबको पता जो भी नंबर बनाओगे वो 10,000 से बड़ा ही बनने वाला है, मतलब सबसे पहले लॉजिक तो यही है, जो भी नंबर बनाओगे 10,000 से बड़ा ही बनेगा, है ना. हमसे पूछा है उसने, वो जो है ना 120 बनेंगे नंबर, समझ में आ गया, 120 फाइव फैक्टोरियल नंबर्स बनेंगे, वो जो 120 नंबर्स होंगे उन सबका सम पूछा है, जो 120 नंबर्स बनेंगे उन सबका सम क्या आएगा. तो खाली सवाल को ऐसे भी पूछ सकते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स मेड बाय द डिजिट्स 1, 3, 5, 7, 9 when repetition is not allowed. एक बार निकालो अपने आप सब.
ये तो गलत लिखा है। किसने दिया ये आंसर? पहले जो दिया हुआ है ये आंसर 2775, ये तो गलत है। हाँ, ये वाला सही है क्या? हाँ, 25 × 24 × 1111, हाँ ये वाला सही है। ये 27775 वाला गलत है। दिस इज 25 × 111, ये गलत है ना? 25 × 111 ये गलत है। देखो ऐसे देख लो, सबसे पहले 120 नंबर्स बनेंगे। 120 नंबर्स जो बनेंगे ना, ऐसे पांच प्लेसेस में मतलब सम करना है तुमको, तो सम करना है तो निकाल लो जैसे सम करते हैं। इस वाली प्लेस को ऐड करो, इस वाली प्लेस को ऐड करो, इस वाली प्लेस को, एंड कैरी ओवर भी लेते जाएंगे तो हमको पता लग जाए क्या क्या लिखा है इस प्लेस पे। तो बताओ ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें वन लिखा है यहाँ, निकाल लो। ऐसे कितने नंबर होंगे जिनमें वन लिखा होगा यहाँ? तो ऐसे कितने नंबर होंगे? 4 फैक्टोरियल होंगे, है ना? इनको अरेंज करो तो ऐसे कितने नंबर होंगे यूनिट प्लेस पे वन लिखा होगा? तो 4 फैक्टोरियल नंबर होंगे। कितने? 24, है ना? 24 नंबर्स होंगे ऐसे जिनकी यूनिट प्लेस पे वन लिखा होगा। उन 120 में से ऐसे ही 24 नंबर्स होंगे जिनमें थ्री लिखा होगा, ऐसे ही 24 नंबर होंगे जिनमें फाइव लिखा होगा, ऐसे ही 7 वाले भी 24 होंगे और 9 वाले भी 20। 24 नंबर्स होंगे ये अलग अलग, सबका सम क्या आएगा? तो 1 को 24 बार ऐड करोगे, 3 को 24 बार ऐड करोगे, ऐसे ही एंड सो ऑन, है ना? तो यूनिट प्लेस का अगर सम निकाला जाए, यूनिट वाली प्लेस का, तो वो सम क्या आएगा? 24 × 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये यूनिट प्लेस का सम आएगा, है ना? मतलब एक वन ऑफ द मेथड बता रहा हूं, ये केवल यूनिट प्लेस का सम इतना आ जाएगा। तो ये कितना लिखा है? अगर सीधे कैलकुलेट कर लिया जाए इसको तो ये 25 लिखा है, तो 24 × 25 तो 600 लिखा है ना? तो 600 आएगा यूनिट प्लेस का सम। तो अभी हम कोई फॉर्मूला वॉर्मूला लगाने की कोशिश नहीं कर रहे, सीधे जैसे ऐड करते हैं नंबर्स वैसे ऐड कर रहे हैं, है ना? इतनी बार वन, इतनी बार थ्री, ऐसे नंबर जिनमें थ्री लिखा है सब लिख लिए, हमको पता चल गया कितने कितना सम आएगा। तो यूनिट प्लेस का सम 600 आएगा, तो 0 लिखा, 60 कैरी ओवर, है ना? 60 कैरी ओवर। अब ये हंड्रेड्स वाली, टेंस वाली प्लेस का सम करेंगे, टेंस वाली प्लेस का सम भी यही आएगा। उसमें भी देख लो कि टेंस वाली प्लेस पे वन कितनी बार लिखा होगा, ऐसे कितने नंबर होंगे जिनमें टेंस वाली प्लेस पे वन लिखा होगा, वो भी 24 ही नंबर होंगे, है ना? अलग अलग होंगे बस, जिनमें यहां वन लिखा होगा उनमें यहां नहीं लिखा होगा, लेकिन ऐसे नंबर केवल हमें तो सम से मतलब है ना, टेंस प्लेस का सम क्या आएगा? तो ऐसे नंबर वन कितने नंबर्स में लिखा होगा? 24 नंबर्स में। तो अभी भी इस प्लेस का सम यही आएगा क्या? 600 ही। तो 600 और 60 कैरी ओवर है, तो 660, 0 66 कैरी ओवर, फिर 600 और 66, तो 666, तो 6 और 66 कैरी ओवर, फिर 600 6 66 कैरी ओवर, 600 और 66, तो 666 ये आएगा आंसर। तो 5 बार 6 लिखा है और फिर 0 लिखा है 2 बार, ये आएगा इन सब नंबर्स का सम, है ना? ये किसी बिना किसी फॉर्मूले के, हमको जैसे जैसे पता है कि नंबर का सम कैसे करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है? इसका दूसरा तरीका ये जो तुमने शायद फॉर्मूला लगा के निकाला है, फॉर्मूला क्या है? जैसे इस फॉर्मूले में क्या है कि तुम सबको अलग अलग काउंट करो कि वन वाली प्लेस
सम क्या आएगा, है ना। जैसे सब नंबर को तोड़ के वैसे लिख सकते हैं ना, वो जैसे तुमने करा है वन, मतलब जैसे किसी भी नंबर को, जैसे इसको, है ना, कि 1 × 10³ + 3 × 10³ + 5 × 10² + 7 × 10 + ना, ठीक है। तो पहले सब वन वाले काउंट कर लो, वन वाला हर नंबर में जो वन लिखा होगा वो क्या सम देगा, तो जब यूनिट प्लेस पे लिखा होगा वो वन 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 देगा, है ना, जो यूनिट प्लेस पे लिखा होगा वो वन 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 देगा, ठीक है। वो कितनी बार, 24 बार, है ना, तो 24 बार, है ना, क्योंकि वन कितनी बार लिखा है, 24 बार, ऐसे 24 नंबर है जिनमें वन लिखा है, तो यूनिट प्लेस पे वन, वो उसका सम क्या आएगा, 24 × 1। ऐसे ही टेंस प्लेस पे वन, टेंस प्लेस पे जो वन लिखा होगा उसका सम क्या आएगा, तो 24 नंबर्स होंगे टेंस प्लेस पे जो वन लिखा होगा, लेकिन वो सम क्या देगा, 1 × 10, मतलब इसको मैं इस वन को तोड़ के लिखूंगा तो इसको मैं 1 × 10, मतलब नंबर में तोड़ के जो लिखूंगा 1 × 10 लिखूंगा, इस नंबर को अलग लिखूंगा फिर, है ना। तो वो जो टेंस प्लेस वाला है वो कितना सम देगा, तो 24 × 10, तो इसको ऐसे लिख दिया। ऐसे ही ये वाला 100 प्लेस वाला, ये भी सम देगा, यहां पे वन कितने बार लिखा होगा, 24 नंबर्स होंगे, लेकिन इसके कोरस्पॉन्डिंग, इस वन के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर आएगा, 100, है ना, 1 × 10² तो 1 × 10² मतलब 24/10² आएगा, एंड सो ऑन, है ना, इतनी बार तो वन आ जाएगा, तो कितनी बार मैक्सिमम जाएगा ये, इतनी बार। तो ऐसे ही थ्री वाला कर लो अब, तो थ्री वाले का सम कितना होगा, इसका ट्रिपल होगा, मतलब तीन लिखा होगा और सब ये वन वालों का सम था, ऐसी थ्री वालों का सम इनका ट्रिपल आएगा, तो 3 times आएगा इसका। ऐसी फाइव वालों का सम कितना आएगा, इसका 5 गुना आएगा। ऐसी 7 वालों का सम इसका आएगा, तो इसमें सीधे ऐसे कर दूं, इसको इनटू किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इससे, तो यही लिखा है सम ऑफ ऑल द नंबर्स। तो फॉर्मूला सही लिख रहा है, ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा है जितने नंबर्स बने थे, है ना, जितने नंबर्स बने थे, तो 24 जो डिजिट्स हैं इनका सम, और इनटू 1 + 10 + 10² कहां तक, मैक्सिमम यहां तक, मतलब 10⁴ तक, है ना, ठीक है, 10⁴ तक, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला तुमने लगाया होगा। अब देखो इसका एक तीसरा तरीका है, लेकिन वो हर जगह नहीं लगेगा, है ना, ये वाली चीज तो हर जगह लग जाएंगी। एक तीसरा मेथड भी है, तीसरा मेथड क्या है, और पहले तो कब लगेगा तीसरा मेथड, तो तीसरा मेथड लगेगा जब ये जो नंबर दिए होंगे ना, ये वाले सेम कॉमन डिफरेंस वाला होगा इनमें, अगर ये नंबर एपी में लिखे होंगे, ऐसा मान लो ये जो 1, 3, 5, 7, 9 एक एपी के नंबर है, तो अगर ऐसे नंबर दिए होंगे तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, थर्ड वाला ना, अगर ऐसे दिया होता तो अभी जो दो मेथड से किया है उन दो मेथड से तो हो जाएगा, लेकिन अब जो मेथड बताने वाला हूं उस वो इसमें नहीं लगेगा ना। तो इसमें कब लगेगा, मतलब जब ये सारे नंबर सेम कॉमन डिफरेंस होंगे, तो सीधे लिखो सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा ये, और सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा ये, और इनटू एन बाई टू, एन मतलब कितना था, कितने नंबर बने थे, 120/2, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे समझ लो ये एपी का सम लिखा है, एन बाई टू ए प्लस एल, ऐसे है ना, ऐसा ही होता है एपी का सम, एक फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू एन बाई टू, है ना। तो लेकिन एपी से नहीं लिखा ये मैंने, है ना, ये वैलिड है बस, लेकिन ये एपी से नहीं लिखा है। तुम क्या काम करो, सबसे छोटा नंबर लिख लो और इनसे सबसे बड़ा नंबर लिखो, दोनों को ऐड करो और एन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना, वही आ जाएगा आंसर जो अभी तुमने निकाला है। हाँ,
क्या हुआ? 10,000 अनम्यूट करूं? कौन पूछ रहा है ये? वंश। अच्छा, हाँ वंश बताओ। ऐसे नहीं कर सकते कि मतलब जैसे सबसे छोटा नंबर ये 13579 और हाँ सबसे बड़ा ये, तो यहाँ 13579 से लेकर 97531 तक के ऑड नंबर का सम। नहीं, ये भी आएगा क्या? अच्छा, ओ यस सर। ठीक हम्म, है। ठीक है, अब समझ गए हम, है ना। देखो ये काम जो कर रहे हो ना, ये जैसे मतलब सबसे 13579, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबको लिख लो ना, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब कि सबसे छोटा यहां और सबसे बड़ा फिर लास्ट में सबसे, तो 97531 ऐसी, इससे जस्ट बड़ा नंबर। इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होगा, है ना। इससे जस्ट बड़ा जो नंबर होगा, है ना, जैसे 13597, है ना। इससे जस्ट बड़ा जो नंबर होगा वो 13597 होगा। और इसके, है ना, इसका पेयरिंग जिससे हो रही होगी वो समझ लो ऐसा होगा 79531, है ना। जो इसका और इसका सम आएगा वही इसका और इसका सम आएगा, है ना। नहीं, इसका नहीं, मतलब इसको उल्टा लिखो, है ना। इसकी पेयरिंग के हिसाब से कि सम यही बने, तो जैसे पेयरिंग जो होगी इसकी, मतलब इसको इसको पलट के लिख लो बस, कि 97 और 135, है ना। 97 और 135 लिखे, या 531, सॉरी 97531, है ना। 97 क्या आएगा, 9 1 10, 97 क्या पेयरिंग होगी इसकी, 513, 97513, सॉरी। हाँ ना? देखो इस वाले नंबर, ये वाला पहला वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर, है ना। मैंने इसलिए सबसे छोटा और सबसे बड़ा, है ना, कि 13579 ऐसे 97531 इनका जो सम आएगा, है ना। कोई और दूसरा नंबर लिखा, ऐसे जस्ट बड़ा बोल रहा हूं, जस्ट बड़ा ये, वैसे ये इनमें से जस्ट बड़ा नंबर लिखा 13597, है ना, 13597। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक नंबर लिखा है मैंने जो बना होगा इसमें 97513, इन दोनों का जो सम आएगा वही इन दोनों का सम भी आया होगा, है ना। मैंने एकदम जैसे यहां इस पहला नंबर और आखिरी नंबर में क्या डिफरेंस है, बस इसमें 1 की जगह 9 लिखा है, 3 की जगह ये 7 लिखा है, 5 की जगह 5 ही लिखा हुआ है, 7 की जगह 3 लिखा है उस वाले नंबर में, और 9 की जगह 1 लिखा है ना। तो बिल्कुल सेम काम किया यहाँ पे, 13597, 1 की जगह 9 लिख दिया, 3 की जगह 7 लिख दिया, 5 को 5 ही रखा, 9 की जगह 1 लिख दिया, 7 की जगह 3 लिख दिया। तो इन दोनों का जो नंबर का सम आएगा वो निकाल के देख लो, ये बराबर ही आएगा। तो ऐसे ऐसे पेयरिंग बना लेंगे, तो कितने पेयर बनेंगे, ये n/2 पेयर बनेंगे, मतलब टोटल 120 थे, तो 120/2 पेयर बनेंगे। तो सम पता चल गया मुझे कितना आएगा, इन दोनों का सम निकाल लो बस, और 120/2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। क्लियर होगी बात, तो ये याद रखना, ये कब होगा, बस ये तब होगा जब इनमें डिफरेंस सेम होगा, है ना, डिफरेंस सेम होगा। और अब एक और चीज, ये हमने किया जब रिपीटिशन नॉट अलाउड था, सेम चीज लग जाएगी जब रिपीटिशन अलाउड होगा, है ना। सेम ही चीज लग जाएगी जब रिपीटिशन अलाउड होगा। बताओ 13579 से जब रिपीटिशन अलाउड है, 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं तुमको। अब मैंने बोल दिया 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं, बताओ सम क्या आएगा, रिपीटिशन इज अलाउड, निकालो, रिपीटिशन इज अलाउड।
वन थ्री फाइव सेवन नाइन से रिपीटिशन अलाउड है, ऐसे नंबर्स बताने हैं, उनका सम बताना है, मतलब निकालो जल्दी। तो अभी भी वो वाला फॉर्मूला तो लगी जाएगा, कौन सा वाला फॉर्मूला, वो ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लग जाएगा अभी भी, है ना, थर्ड वाला, है ना। तो सबसे बड़ा नंबर 99999, सबसे छोटा नंबर 11111, है ना, दोनों का सम इनटू टोटल कितने बनेंगे, टोटल बनेंगे 5 की पावर 5, है ना, टोटल जो नंबर बनेंगे 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, है ना, जो भी ए प्लस एल आया। वरना ऐसे देखते तो टोटल नंबर थे, है ना, 5 5 5 ऑप्शन, तो 5 की पावर 5, ऐसे कितने नंबर होंगे जिनमें यूनिट प्लेस पे 1 लिखा होगा, वो इतने होंगे, है ना, 5 की पावर 4 इतने नंबर होंगे, ऐसे ही टेंस वाले भी इतने नंबर होंगे, ऐसे ही जिन पे 1 लिखा होगा, ऐसी 100 वाली प्लेस पे, है ना। तो 1 1 वाली डिजिट का सम करें अगर, तो कितना आएगा, इतना आ जाएगा, अब 3 वाली करें तो इसका ट्रिपल आएगा, 5 वाली करें तो उसका 4 टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स आएगा। तो इसको ही मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1 3 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये आंसर है। तो कितना बना ये, वही बनेगा या अलग बनेगा, कितना है ये बना था, वही 25 ही तो है ये भी, है ना, वो कितना था ये, 25 ही है ना, 5 स्क्वायर 25, तो 25 इंटू 5 की पावर 4 इंटू वही क्या है ना, 1 1 1 1 1, कितनी बार आएगा, है ना, इतनी 5 बार ये लिखा हुआ है। और वैसे n बाई 2 से किया था तब भी यही आना चाहिए, है ना, कि 1 1 1 1 और 9 9 9 9 9, कितना बनेगा ये, ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा, कैसे लिखे, सबसे छोटा नंबर ये, सबसे बड़ा नंबर ये, सम करेंगे तो 0 आ रहेगा, यहां तो नहीं आया, या कुल मिला के आ जाएगा सेम, क्योंकि ये वाला जो 5 लिखा हुआ है इधर, है ना, उससे मैच हो जाएगा, तो कितना आएगा ये, है ना, 5 बार 1 आएगा और 1 बार 0 आएगा, है ना, तो 1 1 1 1 1 और 0 और इंटू एन बाई 2, एन कितना है, 5 की पावर 5 और डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा आंसर, इस 10 को हटा लो और 2 से डिवाइड कर दो तो 1 5 आ जाएगा, तो ये हो गया आंसर, तो यही लिखा हुआ है, 5 की पावर 6 लिखा, ये भी 5 की पावर 6 लिखा, मतलब सेम है ना, तो वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा, चाहे रिपीटिशन अलाउड है चाहे रिपीटिशन नॉट अलाउड है, लेकिन नंबर ऐसे होने चाहिए जो इंक्रीजिंग मतलब एपी में हो, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ तो एक क्वेश्चन करते हैं अब इस पे, जैसे अगर 0 इंक्लूड कर लो, है ना, 0 इंक्लूड कर ले, जैसे 0 1 2 4 5, बताओ क्या आएगा सम, 5 डिजिट के, रिपीटेशन नॉट अलाउड, 0 1 2 4 5, 0 1 2 4 5 नंबर सम बताना है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड,
When no digit is being repeated, क्या आएगा सम? हाँ, पांच डिजिट का ही बनाना है। एटीन इंटू ट्वेल्व इंटू एट क्या लिखा है? एटीन ट्वेल्व और वन 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 निकाल लिया सबने। ठीक है, तो 24 12 1 1 1 1 और एक हाँ 24 वाली चीज गलत है, मतलब 24 12 1 1 1। देखो सबसे पहले पहले वो वाला मेथड तो लगेगा नहीं इसमें, है ना, लास्ट वाला। तो अगर पांच डिजिट के नंबर बनाने हैं इनसे विदाउट रिपीटेशन, तो यहां पे एक गड़बड़ है कि जीरो फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता, है ना। तो या तो सब रख के सम निकाल लो, है ना। तो जो मैंने वो फॉर्मूला बताया ना कि वन प्लस टू प्लस मतलब सब डिजिट का सम करो इनटू वन 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 करो, है ना, उससे आता है कि जब सब डिजिट हर प्लेस पे यूज हुई है तब सम आता है उतना। तो अगर मैं जीरो को हर प्लेस पे यूज कर लेता तो सम आता कितना, सबसे टोटल नंबर बनते कितने, फाइव फैक्टोरियल। तो फाइव फैक्टोरियल और हर एक चीज कितनी बार आती, इतनी बार, है ना, और इनटू इन डिजिट्स का सम और इनटू वो वन प्लस टेन प्लस टेन स्क्वायर, तो कितनी बार, पांच बार। तो ये फोर फैक्टोरियल मतलब 24, तो 24 ये सम आता, हाँ अब सही है ना, 18 ना, ये सम आता जब हर जगह यूज होती जीरो। तो जीरो हम फर्स्ट प्लेस पे यूज नहीं कर सकते, तो वो वाले नंबर का सम हटा देते हैं जब जीरो तुमने फर्स्ट प्लेस पे लिखी होगी। तो जीरो तो तुमने फर्स्ट प्लेस पे लिखी होगी, मतलब ये तुमने यहाँ चार प्लेसेस पे लिखी होंगी ऐसे नंबर्स। तो ऐसे ही समझ लो कि ऐसे नंबर काउंट करने हैं चार प्लेस पे, है ना, उनका सम हटाना है। तो 1 2 4 5 से चार डिजिट के नंबर का सम क्या बनेगा, तो माइनस, है ना, 24 बनेंगे, तो 24 बटे 4 6, तो 6 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 और इंटू 1 1 1 1। है ना, ये आएगा या 1 जो आएगा वो, हाँ देखो ना, ये आएगा आंसर। यहां पांच बार बने या चार बार बने, सही लिखा है गलत लिखा है?
जैसे सबने घटा के लिख दिया इसको कि यहां भी 5 बार 1, यहां भी 5 बार 1, हाँ ऐसा 5 बार होगा दोनों तरफ, या यहां 5 बार यहां 4 बार होगा, ये सही लिखा है ना। है ना, सही लिखा है ना। 4 डिजिट के इन 0 का सम तो 0 ही आएगा, तो उनसे मतलब नहीं है, है ना। तो ये केवल 1, 2, 4, 5 से 4 डिजिट के जो नंबर बने होंगे उनका सम क्या आया होगा, उनका सम ये आया होगा, उसमें जो सम जाएगा 1 + 10 + 10² + 10³ तक जाएगा बस, है ना। तो 1, 1, 1 4 बार होगा या 5 बार होगा, ये आंसर है। क्लियर है चारों को? ठीक है। हाँ इससे बताओ, 2 बताओ आंसर क्या आएगा। जितनी बार लिखी है उतनी बार यूज करनी है, मतलब वही 6 डिजिट के नंबर बनाने हैं 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4 से, है ना। सम ऑफ नंबर्स मेड बाय द डिजिट्स, है ना, एंड यूजिंग ऑल द डिजिट्स। तो 2, 1 बार 2 है, 2 बार 3 है, 3 बार 4 है, बताओ आंसर। ठीक है। हाँ ठीक है। तो कितने नंबर बनेंगे पता कर लो ना, तो कितने नंबर बनेंगे इनसे, टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, तो 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इतने तो टोटल नंबर बनेंगे ना। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, 120, 720 डिवाइडेड बाय 612, है ना, तो 60, 60 नंबर्स बनेंगे। तो टोटल 60 नंबर्स बनेंगे, उनमें से मतलब अगर लिखा जाए 4, मतलब सबसे पहले 2 की बात करें तो यूनिट प्लेस पे 2, ऐसे कितने नंबर होंगे जब यूनिट प्लेस पे 2 लिखा होगा, तो ऐसे कितने नंबर होंगे इनको 5 प्लेस पे फिक्स करो, तो 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 120 बाय 12, तो 10 नंबर होंगे ऐसे, है ना, ऐसे 10 नंबर होंगे जब 2 लिखा होगा, है ना, यूनिट प्लेस पे। ठीक है, ऐसे कितने होंगे जब यूनिट प्लेस पे 3 लिखा होगा, मतलब मैं पहले वाले मेथड से काउंट करने की कोशिश कर रहा हूं उसको, है ना। ऐसे कितने नंबर होंगे जब यूनिट प्लेस पे 2 लिखा होगा, वो 10 नंबर आएंगे। ऐसे कितने नंबर होंगे जब यूनिट प्लेस पे 3 लिखा होगा, यूनिट प्लेस पे 3 लिखा होगा मतलब बाकी सब अरेंज करोगे इधर, तो कितने नंबर बनेंगे जब यूनिट प्लेस पे 3 लिखा होगा, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, है ना। 3 यूज कर लिया, बाकी 2, 3 और 4 इधर यूज करना है, तो कितने आएंगे, ये जो भी लिखा हुआ है 120 बाय 4, 30, ऐसे 30 नंबर होंगे, है ना, इनमें यूनिट प्लेस पे 3 लिखा होगा, सही लिखा है ना। हाँ
30, ऐसे कितने होंगे जिन पे चार लिखा होगा ना, जिन पे चार लिखा होगा ऐसे कितने नंबर होंगे। अच्छा नहीं नहीं यहां गड़बड़ हो गया, ये 30 नहीं होंगे, हमने 3 लिखा है तो 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल हो, है ना, तो 6 मतलब 20 होंगे, तो ऐसे 20 होंगे ये, सॉरी, है ना, चार वाले 30 होंगे, ऐसे चार वाले 30 होंगे, दो जिस पे एंड हो रहा होगा ऐसे नंबर 10 होंगे, जो 3 पे एंड हो रहे होंगे ऐसे नंबर 20 होंगे, जो 4 पे एंड हो रहे होंगे ऐसे नंबर 30 होंगे। अगर सबका सम निकालेंगे तो क्या आएगा, सबका सम निकालेंगे तो क्या आएगा, सबका सम आएगा 10 × 2 20 × 3 30 × 4, है ना, यूनिट प्लेस का सम निकाल रहा हूं मैं, यूनिट प्लेस का सम क्या आएगा, हर प्लेस का सम यही आएगा लेकिन यूनिट प्लेस का निकाल लेता हूं बस, तो कितना 20 60 120, तो कितना आएगा 200, तो यूनिट प्लेस का सम 200, अब बस 200, अब बस हर प्लेस का सम यही आएगा, तो 200 सम, जीरो लिखा, 20 200 20 220, जीरो 22 222 22 222 22 222 और 222, है ना, सबसे पहला वाला मेथड लगाया मैंने, सबसे पहले वाले मेथड से आंसर आया ये। हाँ हाँ बताओ यश। सर मतलब मैंने ऐसे किया सर, मतलब आंसर से भी सही आ रहा है, पता, आप बता दीजिए मतलब सही है तुक्का पड़ गया हाँ क्या, सर। जैसे पहले मतलब टोटल परमुटेशन होंगी 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, हाँ वन कितना आया ये, 120, नहीं नहीं कितना बनेगा ये, सर 60, साठ साठ हाँ 60, हाँ जिस 6 नंबर है तो मतलब 6 से डिवाइड कर दिया हर नंबर, सर इससे भी यही आ रहा है। हाँ लेकिन ऐसा ही होगा क्या, यार वही तो पूछ रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा, है ना, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा, जैसे इसीलिए मैंने ये वैसे सम करके बताया है ना, तो अगर हर क्या टोटल नंबर 60 बनेंगे तो 60 को 6 से डिवाइड कर दिया, वो जो फॉर्मूला लगाया था उसमें, है ना, तो यस सर वैसा नहीं होगा मतलब, लेकिन आंसर से हमारा ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, आंसर से हमारा, लेकिन चीज समझो क्योंकि अब दो एक बार है, तीन तीन बार है, और तुम्हें समझ में आ गया हमने क्या किया है ना, सबका सम कि 2 लिखा है ऐसे नंबर 10 है, और 3 लिखा है ऐसे नंबर 20 है, और 4 लिखा है ऐसे नंबर 30 है उसमें, ठीक है। यस और ये कौन है, थैंक यू सर। ठीक है चलो फिर अभी की क्लास खत्म कर देते हैं, अनम्यूट ऑल, थैंक यू सर। लाइव वो चलो मतलब सर लेकिन ये नहीं कह सकते कि 2 के पास तो 6 ही प्लेस हैं और 3 के पास भी मतलब 6 ही जगह गया है हाँ सर, तो डिवाइड वैसे कर सकते हो सकते हैं शायद सर, उससे आंसर सेम ही आ रहा है वैसे। आंसर सेम आ रहा है, आंसर में दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आ रहा है, 6 जगह हैं 2 के पास, है ना, लेकिन अभी जो मैंने बताया उसको सोचना एक बार, जैसे आज की क्लास हम एंड कर रहे हैं क्योंकि ब्रेक तुम्हारा शुरू हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, नेक्स्ट वीक ही होगी अब तो, वैसे आज इस वीक तो हमारी 3 क्लास लगी है, यस सर यस सर हाँ हाँ 3